आज इस क्षमता पूर्वक की ऐतिहासिक धरती पर इस चुनावी चौपाल में हमारे साथ जिनके नेतृत्व में हम सुबह 10 बजे से चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय मुनीन शुक्ला जी, पार्षद दल के नेता आदरणीय परमेश्वर लाल कनौजिया जी, जिला पंचायत सदस्य भाई सैनू सोनकर जी, पार्टी के जिले के महासचिव आदरणीय जितेंद्र कटियार जी, पार्टी के सम्मानित अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई युवा और जुझारू सर्वेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता भाई राजकुमार पाल जी, बहला के पूर्व प्रधान आदरणीय रविंद्र कठेरिया जी, भाई बलराम यादव जी, भाई जगदेव जी, बीनू यादव जी, महेश पाल जी, विनोद पूर्व प्रधान, तीन पूर्व प्रधान है, तीनों पेंशन देनी है, सम्मानित जवान हमारा विनोद दिवाकर, राम सिंह सुखदेव और तीसरा राम सिंह सुखदेव और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़ी संख्या में बैठी हमारी मां शक्ति, मैं इस मंच के माध्यम से सामने बैठे सभी सम्मानित भाग विधाताओं को पार्टी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, ये छत्ता पुरवा के लोग हैं, ये हमें 1996, 1998, 1999, 2004 में हमें एमपी बनाने से पहले न थके न रुके न छके, मैं उन्हें पहली बार एमपी बनाने के लिए बधाई देता हूँ, और 2009 में जब हम कांग्रेस से लड़ने आए तो भी यहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट देकर हमें जिताने का काम किया, उनको मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेकिन 10 साल मोदी जी के नए सपनों में नए वादों में फंस कर जरूर हमें वोट नहीं दिया, लेकिन आज की उपस्थिति बता रही है कि निश्चित तौर पर दो बार हमें बनाया है, तीसरी बार छत्ता पुरवा के लोग निश्चित तौर पर हमें एमपी बनाने के लिए यहाँ पर पूरी मां शक्ति के साथ इकट्ठा है, हमें पूरा भरोसा है हमें इस पोलिंग से जिताएंगे नहीं, छत्ता पुरवा के चाहेंगे तो गज्जा पुरवा रेवड़ी जितने हैं सब जगह नाते रिश्तेदार हैं, वहां भी कहेंगे लोगों से कि इस बार चुनाव में बटना नहीं है, डरना नहीं है, और मोदी की किसी नई साजिश में फंसना, इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देकर अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए, किसानों की जमीनें सुरक्षित करने के लिए, देश बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए वोट देने का काम करेंगे, इस बार हम बचेंगे नहीं कि कुछ बसपा में चले गए, कुछ सपा में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, ये बटने का चुनाव नहीं है, और आप देख रहे हो इस चुनाव में देश को और संविधान को बचाने के लिए कोई ऐसी बिरादरी नहीं है, अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सारे के सारे, आज तो हमारे टावर में 250 क्रिश्चियन बिरादरी के आदमी इकट्ठे होकर के एकजुट होकर पूरी ताकत से हमें समर्थन देने का वायदा किया है, तो इसलिए इस चुनाव में हमें बटना नहीं है। लोग बार बार कहते हैं मशीन कुछ गड़बड़ कर जाए, इस बार अगर सारे समाज के लोग 100% वोट देने के लिए तैयार है तो मशीन तुम्हारा खुद बिगाड़ने वाली, हमारा खुद बिगाड़ने वाली नहीं है। हम लोगों ने बताया है, अभी जिलाध्यक्ष ने बताया है कि जो इंडिया गठबंधन का एजेंडा है उसमें किसानों का कर्जा माफ तो माफ,
और जो 5 किलो राशन का ये लोग 2 बार वोट ले चुके हैं, वो कहते हैं महिलाओं का वोट और दलितों का वोट तो 5 किलो राशन में ले। ये 5 किलो राशन का कानून किसने बनाया? 9 से 14 में आपने हमें एमपी बनाया था, 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, कोटेदार की दुकान में बोर्ड लगा होगा, उसमें लिखा होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 2013 में मोदी जी नहीं थे, 14 में आए हैं। और उस समय 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 5 किलो राशन का दाम 12 और 13 रुपए है। तब गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 का है। 12-13 रुपए माफ करके तुमसे 800 रुपए जेब से निकाले जा रहे हैं, तुम्हारी टेट ढीली की जा रही है। तुम समझ रहे हो 5 किलो राशन फ्री का राशन है? ये फ्री का राशन कोई मोदी जी की योगी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत 545 एमपी चुनकर जाते हैं और वो एमपी कैबिनेट में कोई जो फैसला लेते हैं वो कानून बन जाता है, उसके तहत 5 किलो राशन तुम्हें मिल रहा है। वो कोई मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है। 5 किलो की जगह 10 किलो दें, 1 किलो रो दूध दें, डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लगा कर दें, तो इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये लोग बताने का काम करोगे। और हम एक ही बात कह के जा रहे हैं कि छत्तापुरवा के लोगों, तुमने जिस एमपी को मोदी की गारंटी में 10 साल से बैठाए हो, उसको कोई छत्तापुरवा का आदमी टेलीफोन करके उसके मोबाइल पे बात नहीं कर सकता। और इस छत्तापुरवा में 10-20 लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारे मोबाइल पे जब चाहे तब बात कर सकते हैं, कि सही कि नहीं भाई? क्यों, हमारा नंबर है कि नहीं? हर 10 कदम पे हमारा नंबर है। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आए कि हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, सुख दुख में जब चाहोगे हम आपके दरवाजे खड़े मिलेंगे। इसलिए इस चुनाव को आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, जो हमारे आजादी वालों ने संघर्ष करके हमें स्वर्णिम इतिहास दिया है, उसको सुरक्षित रखने के लिए आने वाले समय में 13 तारीख में इंडिया गठबंधन का चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल के बटन दबाकर हमें सहयोग करने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।